तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो फ़ोन के लिए एक्स आई ओ एस यू आई थीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आप सभी को पसंद आएगी और बहुत ही ज़्यादा कमाल की ये थीम्स होने वाली है। काफ़ी कुछ इसमें नया देखने को मिलने वाला है आपको। तो आज की इस वीडियो में हम इसी थीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यार, आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर पाए। साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना गाइज, ठीक है। तो चलिए गाइज, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है थीम्स का रिव्यू करा देता हूँ। यार थीम्स जो है मेरी ये है, लगभग मैं इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अप्लाई करने के बाद यार कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है आप लोगों को देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके का लुक आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही कमाल का है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके की ये थीम्स होने वाली है। गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो थीम्स होने वाली है वो लाइट थीम्स होने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक आपके फ़ोन को दे रही है। अगर आपको लाइट थीम्स पसंद है तो आपके लिए ये थीम्स काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो यहाँ पर गाइज आप बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो आइकन है आपको यूआई वाले आइकन मिल जाएंगे, और वन यू आई वाले जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। और देख सकते हैं मिनी राउंडेड आइकन आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं गाइज। यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर वगैरह में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छे से ऐड कर दी गई हैं, और जो वॉलपेपर है वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारी थीम्स है वो लाइट थीम्स काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। इसी के साथ अगर गाइज अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पे हमें मिल जाती है बहुत ही कमाल की वो एक लाइट बैटरी, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रही है इस थीम्स को। प्लस इसके साथ अगर बात करें हम आइकन में कोई भी बक्स देखने को, और इसके साथ अगर गाइज बात करें हम इसके नोटिफिकेशन पैनल की, तो यार यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि कुछ इस टाइप का वॉलपेपर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है। यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि वॉलपेपर भी काफ़ी कमाल का है। प्लस बात करें इसके शॉर्टकट सेंटर्स की, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का शॉर्टकट सेंटर्स है जो कि लाइट शॉर्टकट सेंटर्स है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। प्लस बात करें फ़ोन के सेटिंग्स की, तो फ़ोन की जो सेटिंग्स है कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि पूरे तरीके से चेंजेस है, ठीक है। डायलर की बात करें तो डायलर आपको यहाँ पर पूरे तरीके से चेंजेस मिल जाएगा। यहाँ पर डायलर में देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का मिल रहा है। चलिए गाइज, ये तो बात हो गई थीम्स वगैरह की। मैसेज बॉक्स वगैरह भी इसके चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी लॉक स्क्रीन की, तो यार लॉक स्क्रीन यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कुछ इस टाइप का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा, आईफोन के जैसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। प्लस गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको स्लाइड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप लॉक को अनलॉक कर पाएंगे, ठीक है। इसके साथ आपको यहाँ पर एक पावर लाइन मिल जाएगी जो कि आपकी बैटरी को दिखाने वाली है कि आपकी जो बैटरी है कितनी है। जितनी है आपकी बैटरी रहेगी उतनी ये लाइन ग्रीन रहेगी, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पावर माई फ़ोन। प्लस अगर आप यहाँ पे चार्जिंग वगैरह कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टेटस शो होने वाला है चार्जिंग का, कि यहाँ पे आपकी जो फ़ोन है चार्जिंग होने लगा है। प्लग जो आपका जो टाइम वगैरह है डेट ऑफ बर्थ वो आपको ब्लैक कलर में शो हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की जो ये थीम्स है आपको मिल जाएगी। तो इतने ही चेंजेस आपको इस थीम्स में मिलने वाले हैं। अगर जब बात कर लेते हैं फाइनली आप इस थीम्स को कैसे यूज़ करोगे अपने डिवाइसेस में, यानी कि वीवो डिवाइसेस में, तो उसके लिए गाइज आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने थीम्स का लिंक दिया है, आपको इजीली वहां से थीम्स को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके थीम्स को अप्लाई कर लेना। अगर आपको थीम्स को अप्लाई करना नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसे देख के आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको डाउनलोड करने में किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। जो भी प्रॉब्लम आपको आए उसी टाइप की आप वीडियो देख लेना और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।